बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूँ। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थीसिस फ्रॉम ए टू जी, उसमें आज पार्ट 7 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू राइट हाइपोथेसिस इन रिसर्च। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज मिलती रहें। हाइपोथेसिस जो है वो हमारी इंट्रोडक्शन में सेकंड लास्ट हेडिंग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और हम जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं उनको फिर हम फर्दर टेस्ट करते हैं अपनी फाइंडिंग्स के थ्रू। फॉर्मेटिंग इन APA 7, हाइपोथेसिस इज अ सब हेडिंग लेवल 2 फ्लैश लेफ्ट बोल्ड टाइटल केस कैपिटलाइजेशन प्लस न्यू पैराग्राफ बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन प्लस फॉन्ट इज इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन एंड फॉन्ट साइजेस 12 अंडर द मेन हेडिंग इंट्रोडक्शन। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल की हेडिंग है इंट्रोडक्शन, उसके अंडर सेकंड लेवल की हेडिंग जो है ये हाइपोथेसिस है, जो कि फ्लैश लेफ्ट बोल्ड टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, और उसमें आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर की जब बात करते हैं, द हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ईच ऑब्जेक्टिव कैन बी एड्रेस्ड बाय फॉर्मुलेटिंग वन आर इवन मल्टीपल हाइपोथेसिस। ये आप देख सकते हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे हमारा एक ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल ऑन एडोलेसेंस पॉजिटिविटी। ये ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं हम हाइपोथेसिस से, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट्स एडोलेसेंट्स पॉजिटिविटी। उसके बाद आप अपना सेकंड ऑब्जेक्टिव देखें टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल ऑन एडोलेसेंट्स पॉजिटिविटी। तो हमने इसको अचीव किया, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल विल नेगेटिवली प्रिडिक्ट एडोलेसेंट्स पॉजिटिविटी। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल ऑन एडोलेसेंस पॉजिटिविटी, और इसको आपने अचीव किया। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल इज लाइकली टू नेगेटिवली प्रिडिक्ट एडोलेसेंस पॉजिटिविटी। फोर्थ आपका ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई मीन डिफरेंसेस इन स्टडी वेरिएबल्स अक्रॉस डेमोग्राफिक वेरिएबल्स इंक्लूडिंग जेंडर एज एंड एजुकेशन। इसको आपने पार्शली अचीव किया, बॉयज टेंड टू एग्जिबिट हायर लेवल ऑफ पॉजिटिविटी एज कम्पेयर टू गर्ल। तो आप हम अपने हाइपोथेसिस में इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जनरली, जैसे प्रिडिक्ट्स, विल, नेगेटिवली प्रिडिक्ट, इज लाइकली टू नेगेटिवली प्रिडिक्ट, टेंड टू एग्जिबिट। यानी आप हाइपोथेसिस में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव से अपने हाइपोथेसिस को ड्राइव करते हैं। ये जो बात थी कि ईच ऑब्जेक्टिव कैन बी एड्रेस्ड बाय फॉर्मुलेटिंग वन आर इवन मल्टीपल हाइपोथेसिस, कैसे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जेंडर पे बनाएंगे हाइपोथेसिस, फिर एज पे बनाएंगे, फिर एजुकेशन पे बनाएंगे। तो इस अब फोर्थ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम मल्टीपल हाइपोथेसिस बनाएंगे, लेकिन बाद ऑब्जेक्टिव जैसे ये ऑब्जेक्टिव था ये एक सिंगल हाइपोथेसिस से अचीव हो गया। हाइपोथेसिस आर गिवन इन नंबर्ड लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, अवॉइड यूज ऑफ बुलेट्स। ये आप देख सकते हैं नंबर लिस्ट 1, 2, 3, 4 और असेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, या हम बुलेट्स वगैरह यूज ना करें, कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। आप इसकी नंबर लिस्ट दें और इसे असेंडिंग ऑर्डर में अपने हाइपोथेसिस को प्रेजेंट करें। द हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट विच इज स्टेटेड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस बाय यूजिंग टर्म्स लाइक विल बी, विल, टेंड टू, लाइकली टू। ये आपको मैंने अभी बताया है कि हम इसे प्रिडिक्ट्स यानी प्रेजेंट में, विल फ्यूचर में, इज लाइकली टू प्रेजेंट में, टेंड टू फिर प्रेजेंट में। मोस्टली हम हाइपोथेसिस जो हैं प्रेजेंट में बनाते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस हम फ्यूचर टेंस में भी बनाते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट में हो सकते हैं, ये फ्यूचर टेंस में हो सकते हैं, पास्ट टेंस में डेफिनेटली नहीं हो सकते। द हाइपोथेसिस कैन बी सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड, कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, क्योंकि टेंटेटिव स्टेटमेंट है तो ये एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी। हाइपोथेसिस आर डिस्क्रिप्टिव, एट्रीब्यूटिव, प्रिडिक्टिव, एसोसिएटिव एंड कॉजल,
एक्सप्लेनेटरी, यानी ओवरऑल सोशल साइंसेज में इन जनरल और साइकोलॉजी में इन पर्टिकुलर थ्री टाइप्स के हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव एंड कॉजल। उसमें आप देखते हैं डिस्क्रिप्टिव कौन से हैं, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस डिस्क्राइब द डिफरेंसेस आर स्टेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिहेवियर। प्रिडिक्टिव आर एसोसिएटिव हाइपोथेसिस इम्प्लाइज द रिलेशनशिप आर प्रिडिक्शंस बिटवीन वेरिएबल्स। कॉजल हाइपोथेसिस आइडेंटिफाइज दैट चेंज इन वन वेरिएबल कॉजेज द चेंज इन अनदर वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि कौन से हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्टिव हैं, कौन से प्रिडिक्टिव हैं, कौन से कॉजल हाइपोथेसिस हैं। ये आप देख सकते हैं जो हाइपोथेसिस की एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस थे फर्दर डिस्क्रिप्टिव, इनको एट्रीब्यूटिव भी कहते हैं, एसोसिएटिव आर प्रिडिक्टिव और कॉजल आर एक्सप्लेनेटरी। फर्दर ये नॉन डायरेक्शनल भी होते हैं, डायरेक्शनल भी होते हैं। ये जो है इसकी फर्दर डिवीजन है कोरिलेशनल प्रिडिक्टिव, और ये जो है ये जो कोरिलेशनल है ये फर्दर डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आपकी आसानी के लिए जब भी हाइपोथेसिस डायरेक्शनल होगा उसमें लो हाई, लोअर हायर या पॉजिटिव नेगेटिव के वर्ड्स यूज होंगे। अगर वो हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्टिव होगा या डायरेक्शनल होगा या कॉजल और एक्सप्लेनेटरी होगा तो उसमें लोअर और हायर के या लो और हाई के वर्ड यूज होंगे, और अगर वो कोरिलेशनल या प्रिडिक्टिव होगा तो अगर वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा तो उसमें पॉजिटिव और पॉजिटिवली कोरिलेटेड, नेगेटिवली कोरिलेटेड, पॉजिटिवली प्रिडिक्ट, नेगेटिवली प्रिडिक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी डिस्क्रिप्टिव और कॉजल में जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होंगे उसमें लो और हाई स्कोर या लोअर स्कोर हायर स्कोर की बात होगी, लेकिन कोरिलेशनल और प्रिडिक्टिव में यानी एसोसिएटिव और प्रिडिक्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी। हम वन बाई वन देखते हैं कि ये आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस नॉन डायरेक्शनल कैसे है। लेवल ऑफ पॉजिटिविटी इन बॉयज टेंड्स टू डिफर फ्रॉम गर्ल्स काउंटर पार्ट, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है तो आपने कहा टेंड्स टू डिफर। डायरेक्शनल देखें आप, बॉयज विल एग्जिबिट हायर, मैंने कहा ना हायर लोअर की बात होगी, हायर लेवल ऑफ पॉजिटिविटी एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव में कोरिलेशनल का डायरेक्शनल कैसे होते हैं नॉन डायरेक्शनल, ये आप देख सकते हैं नॉन डायरेक्शनल। देयर विल बी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन परमिसिव पेरेंटिंग एंड एडोलेसेंट पॉजिटिविटी। डायरेक्शन नहीं दी हुई, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सिग्निफिकेंट या नेगेटिव है। लेकिन अब डायरेक्शनल देखें, हायर द स्कोर्स ऑन परमिसिव पेरेंटिंग हायर विल बी द स्कोर्स ऑन एडोलेसेंट पॉजिटिविटी। यानी एक के जब इंक्रीज करेंगे तो दूसरे के भी इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब आपने पॉजिटिव डायरेक्शन दी। या आप लिखते हैं देयर विल बी पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एडोलेसेंट पॉजिटिविटी एंड बिटवीन परमिसिव पेरेंटिंग एंड एडोलेसेंट पॉजिटिविटी, तो वो भी डायरेक्शनल होता। अब हम देखते हैं प्रिडिक्टिव पे, ये जब आपको रिलेशन एडमिनिस्टर करते हैं, ये जब आप रेग्रेशन एडमिनिस्टर करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव के डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल कैसे होते हैं, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल विल प्रिडिक्ट एडोलेसेंट पॉजिटिविटी। आप डायरेक्शन नहीं दी कि पॉजिटिवली प्रिडिक्ट करेगा या नेगेटिव, आप डायरेक्शनल देखें, डायरेक्शनल अब आप देखें, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल विल इज लाइकली टू नेगेटिवली प्रिडिक्ट एडोलेसेंट पॉजिटिविटी, तो अब आपने उसको डायरेक्शन दी। जो कॉजल या एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस हैं जो मोस्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे बनाए जाते हैं, उसमें रिसर्चर्स रिकमेंड करते हैं कि आप इनको नॉन डायरेक्शनल ना बनाएं, इनको डायरेक्शनल ही बनाएं। एक्सपोजर टू आइडियल बॉडी इमेज कॉजेज बॉडी डिससेटिस्फेक्शन इन गर्ल्स, तो ये आपने कॉजेज बॉडी डिससेटिस्फेक्शन इन गर्ल्स डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाया कि वन लीड टू अदर्स टू द अदर। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस हेडिंग, ये लेवल टू की हेडिंग है हाइपोथेसिस। प्राइमरी हाइपोथेसिस आप बनाते हैं, वो प्राइमरी हाइपोथेसिस वो होते हैं जैसे ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हैं, यानी कि जो कोरिलेशनल या प्रिडिक्टिव हैं। ये आपने जैसे आपने कहा प्रिडिक्ट विल इज लाइकली टू प्रिडिक्ट। सेकेंडरी हाइपोथेसिस वो होते हैं
जो टेंड टू एक्सिबिट हायर लेवल ऑफ पॉजिटिविटी एज कम्पेयर टू गर्ल्स, जो कंपेरेटिव होते हैं। अगर आप इसको आसान लफ्जों में देखना चाहें तो ये जो थ्री हाइपोथेसिस हैं जो हमारे टाइटल पे बने हुए ऑब्जेक्टिव को टेस्ट कर रहे हैं हमारी रिसर्च के टॉपिक पे, वो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये जो कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स हमारे आमतौर पे टाइटल में मेंशन नहीं किया हुआ होता कि उसमें मतलब जस्ट टाइटल में लिखा हुआ होता है कि हमारा टाइटल वेरिएबल्स और एग्जांपल और उसका आपस में रिलेशनशिप या प्रिडिक्शन या उनके पाथ, लेकिन ये नहीं लिखे हुए होते जेंडर एज एजुकेशन टाइटल में, तो इस पर फिर हम स्कैनरी हाइपोथेसिस बनाते हैं कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी हाइपोथेसिस हैं तीनों, ये रेड कलर में सेकेंडरी हाइपोथेसिस। जो उसके बाद आप देख लें एग्जांपल के तौर पे डिफरेंट हाइपोथेसिस दिए हैं, जैसे आप मॉडरेशन का हाइपोथेसिस, ये तो सिंपल रिलेशनशिप और प्रिडिक्शन के हाइपोथेसिस हैं। आप मॉडरेशन कैसे बना सकते हैं, हायर लेवल ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, इमोशन रेगुलेशन इज लाइकली टू इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ आईवी यानी कि इमोशनल एक्सप्रेसिविटी ऑन डीवी यानी साइडवेज इमोशंस। फॉर मीडिएशन safety needs are likely to mediate between physiological needs and love and belongingness. और ये भी लिख सकते हैं physiological needs are likely to have direct and indirect effect यानी mediation on love and belongingness. Serial mediation, love and belongingness and self and esteem needs यानी two needs are likely to serially mediate between safety needs and actualization needs, यानी कि दो needs, यानी safety need IV है और actualization DV है, और इनमें two serially mediate कर रहे हैं sequence में, first mediator and second mediator. आप देख सकते हैं parallel mediation schemas and schema modes will have parallel mediation effect between childhood trauma and personality pathology. Moderated mediation आप देख सकते हैं path between neuroticism and PTSD yani IV and DV is mediated by perceptions of trauma, traumatic experience, ye mediator hai is IV aur DV mein, aur ye jo IV aur DV ka aapas mein relationship hai usme ye mediator hai, direct effect mein ye iske sath indirect effect banta hai, and moderated by social support, aur ye uska moderator hai us relationship ka. तो इस तरह से आप अपने प्राइमरी हाइपोथेसिस भी बनाएं, सेकेंडरी हाइपोथेसिस भी बनाएं और उनको टेस्ट करें। होप सो आपको इस वीडियो से अपने हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन में और उसकी साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में हेल्प मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।